Hello friends, welcome to my YouTube channel Like Our Knowledge. Friends, in this video we will discuss about of physiology of heart. Friends, in the last video we had a study about of circulatory system and what is the heart, position of the heart and the structure of the heart, ye sab ke bare mein jana tha. But is video mein hum log physiology of heart ke bare mein janenge. So let's start. फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हिंदी में समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट सबसे पहले देखते हैं हार्ट में जो इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, जो टू वेन्स होती हैं, लार्जेस्ट वेन होती हैं बॉडी की सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा. ये इनके द्वारा ब्लड जाता है राइट एट्रियम में. द टू लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा एम्प्टी देयर कंटेंट ब्लड इनटू द राइट एट्रियम. फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा. फ्रेंड्स, ये तो टू वेन्स होती हैं जो कि सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, इनके द्वारा जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में जाता है. फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी राइट एट्रियम, यहाँ पे ब्लड जाता है इन दोनों वेन्स के थ्रू. देन उसके बाद दिस ब्लड पास बाय द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल. देन ये ब्लड जो होता है राइट एट्रियम में जाने के बाद, ये जो राइट ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, फ्रेंड्स हियर यू कैन सी ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होती है. ये इसे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं. ये वॉल्व ओपन होने के बाद ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है. देन थर्ड स्टेप में देयर ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, द ओनली आर्टरी इन द बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फ्रेंड्स, इसके बाद जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है. यू कैन सी पल्मोनरी आर्टरी, सो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. एंड फ्रेंड्स, ये पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वॉल्व जब ओपन होती है, पल्मोनरी वॉल्व ओपन होती है, इसके थ्रू राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ब्लड. एंड फ्रेंड्स, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स. ये जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाने के बाद, द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इज गार्डेड बाय पल्मोनरी वॉल्व, दिस वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. फ्रेंड्स, ये जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, जो पल्मोनरी वॉल्व भी ओपन होती है, ये फ्रेंड्स पल्मोनरी वॉल्व ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करती है. एंड पल्मोनरी वॉल्व ओपन होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. एंड फ्रेंड्स, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये टू में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. नेक्स्ट फ्रेंड्स, पल्मोनरी आर्टरी कैरी द वेनस ब्लड टू द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फ्रेंड्स, जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं ये वेनस ब्लड को कैरी करती हैं, एंड वेनस ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में. पल्मोनरी आर्टरी टू में डिवाइड हो जाती हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. सो ये जो यहाँ पे लंग्स में क्या हो जाता है, लंग्स में जो गैसेस हैं इनका एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजन ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. एंड देन वहाँ पे टू पल्मोनरी वेन, फिर फ्रेंड्स जो टू पल्मोनरी वेन्स होती हैं, यू कैन सी पल्मोनरी वेन, सो पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी गई तो पल्मोनरी आर्टरी टू में डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट. देन वहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज होता है. देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा, जो टू पल्मोनरी वेन होती है इनके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में आता है. फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरी में आता है, लेफ्ट एट्रियम में. देन लेफ्ट एट्रियम के बाद ये मिट्रल वॉल्व होती है, यू कैन सी मिट्रल वॉल्व, ये मिट्रल वॉल्व फ्रेंड्स ओपन होती है एंड देन ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. इस पॉइंट्स को देखेंगे यहाँ पे, ब्लड पास फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल.
देन पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से ये मिट्रल वॉल्व ओपन होती है एंड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, देयर ब्लड इज पम्प्ड इनटू द अरोटा द फर्स्ट आर्टरी ऑफ द जनरल सर्कुलेशन, दिस ओपनिंग ऑफ द अरोटा इज गार्डेड बाय द अरोटा इज ऑफ अरोटिक वॉल्व। देन फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, देन अरोटिक वाल्व ओपन होती है और अरोटिक वाल्व ओपन होने के बाद जो ब्लड है अरोटा में जाता है एंड अरोटा में जाने के बाद ब्लड जो होता है थ्रू अरोटा ब्लड सप्लाई ऑल ओवर बॉडी, ये अरोटा के थ्रू जो है ब्लड ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। फ्रेंड्स एक बार जो है इस डायग्राम में एक बार और समझ लेते हैं। फ्रेंड्स जो टू वेंस होती हैं सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में एंड राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व भी ओपन होती है, देन ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से ये जो वॉल्व ओपन होती है पल्मोनरी वॉल्व एंड ब्लड पम्प करता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है टू में राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, देन ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स में ब्लड गैसेस का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन। एंड देन जो पल्मोनरी वेन होती हैं टू पल्मोनरी वेन, ये टू पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है एंड मिट्रल वॉल्व यहाँ पे ओपन होती है फ्रेंड्स, एंड फिर मिट्रल वॉल्व ओपन होने के बाद ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल आने के बाद अरोटिक वॉल्व ओपन होती है एंड अरोटिक वॉल्व ओपन होने के थ्रू ये ब्लड पहुंचता है अरोटा में एंड अरोटा के थ्रू हमारी ऑल ऑफ द बॉडी में ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू रियली लाइक इन दिस वीडियो फिर प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।